देखो यार, ये मशीन से पॉसिबल है। वाह, देख रहे हो किस तरीके से बेंड हो रही है, धीमे धीमे बेंड हो रही है। देखो काफी जबरदस्त। तो ये मशीन काफी महंगी भी आती है जी। और सबसे प्रीमियम डंबल है कैप्टन अमेरिका। ओके। ये आज काफी ट्रेंड में है ये। ओके। काफी सारे जिम की रिक्वायरमेंट रहते हैं कि हमको कैप्टन अमेरिका चाहिए। मैं आपको इसकी खासियत बता दूं, ये एक्चुअली है क्या, ये लेग प्रेस मशीन है जी। अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर इस जगह रबर यूज करते हैं। ये चीज क्या है मैं आपको बताऊँ, कुछ आपको फैक्ट्री विजिट कराता हूँ। तो ये फैक्ट्री का नाम है 7-स्टार जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो डायरेक्टली आप लोग इनसे मिल सकते हो। मतलब आगे जाके मैं सारी जानकारी आपको देता हूँ अंदर चल के, कि इनके यहाँ पे अगर आपको मिनिमम सेटअप डलवाना हो तो कितने रुपीज में सेटअप डलेगा, और एक यूनिक सेटअप हम लोग ने आप लोगों के लिए लगा के रखा हुआ है। तो वो सेटअप ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा, वो अलग दूसरे लोकेशन पे। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा पूरा फैक्ट्री है, और यहाँ पे ये हमारा 7-स्टार जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर देख सकते हो। तो ये है हमारे भाई का, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधा अंदर चलते हैं। तो किसी से भी अगर कांटेक्ट करना, भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा फैक्ट्री में लेके चलता हूँ। और हमारी देखो बीएम इधर ही खड़ी हुई है अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ है यहाँ के मैनेजर। कैसे हो भावेश भाई? अरे बिल्कुल। तो भावेश सर के साथ हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पे मैं दे दूंगा, वो जाके देख लेना, डिटेल वीडियो है। तो भावेश भाई क्या हाल है मार्केट का और आपका? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और मार्केट का हाल भी बहुत अच्छा है जी। काफी सारा वर्क हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है जी, दिवाली के पहले ही जी। और आज मैं आपको कुछ काफी सारी अलग चीजें बताने वाला हूँ जी। आज तो अपन सेटअप देखने वाले हैं। हाँ, तो वो सेटअप कितने का है अपना? सेटअप काफी प्रीमियम है जी, और आपको पूरा सेटअप मैं बताने वाला हूँ जी। और प्राइस बताऊंगा सेटअप दिखाने के बाद। सेटअप वहाँ दिखाएंगे हम लोग अलग लोकेशन पे। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वहाँ सेटअप दिखाएंगे। अभी यहाँ पे फैक्ट्री में काम किस तरीके से होता है गाइस सबको मालूम नहीं होता है, लेकिन भावेश भाई थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताएंगे कि मटेरियल कैसे आता है, रेडी कैसे होता है, डिस्पेस कैसे होता है, और आपको मिलता कैसे है। तो भावेश भाई बताइए। बिल्कुल, चले आ जाओ, मैं आपको जी बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक रॉ मटेरियल जो रेडी होता है यहाँ पर आता है। ये हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा सारा रॉ मटेरियल है जी। इसको सीआरसी पाइप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीआरसी पाइप कहते हैं। अच्छा। और पाइप का थिकनेस होता है 2.5 mm जी, और 12 गेज बोलते हैं। ये हमारा सारा रॉ मटेरियल है, हैवी क्वालिटी का। जी। इसके बाद ये सारा शिफ्टिंग होता है जी यहाँ पर। ये हमारा खुद का बेंडिंग मशीन है। अच्छा, ये तो काफी महंगा आता है भाई। हाँ, ये काफी महंगा आता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको बेंडिंग मशीन काम किस तरीके से करती है भाई। इसका लेवल ही अलग है, और ये इतनी महंगी आती है कि सारे हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, देख सकते हो। तो इसके ऊपर अभी काम चालू है। तो भाई मतलब इसके अंदर स्पेशल क्या है भावेश भाई ये बेंडिंग मशीन में? देखो, इसमें इस पाइप को जैसे रखा जाता है अंदर, सेट किया जाता है, उसके बाद किसी भी तरह का एंगल और डिग्री देने के लिए ये मशीन वर्कआउट करती है जी। मतलब आपको जैसे कोई भी इसको पाइप को बैंड करना है जी, कितने डिग्री पर बैंड करना है वो आपको इसी मशीन से पॉसिबल है। तो देखते हैं कैसे बैंड होती है। देखो यार, ये मशीन से पॉसिबल है। वाओ, देख रहे हो किस तरीके से बैंड हो रही है, धीमे धीमे बैंड हो रही है। देखो काफी जबरदस्त। तो ये मशीन काफी महंगी भी आती है। देखो ये बैंड हो गई। तो ये हमारी ये बैंड हो गई है, देखते हैं किस तरीके से हुई है। तो ये बैंड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है यहाँ पे रखी हुई, देखो। और ये देखो, ये पूरी निकल गई, बैंड हो गई है। तो ये बेंडिंग मशीन से ऐसा होता है कि मटेरियल खराब नहीं होता हमारा? हाँ, मटेरियल खराब नहीं होता, और लुक वाइज काफी अच्छा होता है। अच्छा, ओके। हाँ, मैनुअली लोग मार्केट में मैनुअली भी बैंड करते हैं, मतलब उसको काट के डिग्री बैंड भी करते हैं, लेकिन उसमें लुक मशीन का काफी मतलब इतना अच्छा नहीं आता जितना कंपेरेटिवली बेंडिंग में। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है भाई? हाँ, आप इधर आइए। तो नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं, पूरा फैक्ट्री में आपको दिखाने वाला हूं। फैक्ट्री में सारे बैंड है, मशीन के ही बैंड है सारे, ये वाले स्टॉक में पड़े हैं, सारे मशीन के ही बैंड है। और इसके बाद ये बैंडिंग से यहाँ पर पूरा फैब्रिकेशन, पूरा वर्क
जैसे आप देख रहे हैं कि ये फैब्रिकेशन वर्क पूरा इसी पर होता है। ये क्या हो रहा है सर? ये मशीन बन रही है, इसका मशीन का नाम है लेग प्रेस, 45 डिग्री लेग प्रेस। वाओ। और दूसरी एक हमारी मशीन बन रही है जिसका नाम है सीटेड काफ। ये क्या सर? काफ मशीन है, काफ के लिए आती है। ये भी हमारी रेडी हो रही है अभी। वाओ, देख सकते हो गाइस। तो ये काफ मशीन रेडी हो रही है, और ये वाली लेग प्रेस रेडी हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है सर? फिर उसके बाद ये जाता है पूरा फाइनल वेल्डिंग में जाता है। जी, पूरा वेल्डिंग हो जाता है। जी, ओके। तो ये हमारा वेल्डिंग सेगमेंट है, देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा वेल्डिंग वगैरह हो रहा है। वाओ, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाते हैं फिर? उसके बाद ये पूरा जाएगा, ये इस तरह इसको असेंबल किया जाएगा कंप्लीट। जी, असेंबल करके एक बार टेस्टिंग किया जाएगा कि मशीन का वर्कआउट कंप्लीट है या नहीं। जी, ओके। जैसे आप देख रहे हैं सारे मशीन रखे हुए असेंबल करके। ओके, उसके बाद एक प्रोसीजर आता है कलर कोटिंग का। जी, पाउडर कोटिंग क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से, जो भी कलर क्लाइंट ने सिलेक्ट किया हुआ है जी, तो कलर कोटिंग में जाएगा। उसके बाद रिटर्न वापस इधर ही मशीन आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कलर होने के बाद मशीन असेंबल इधर यहाँ पे इस तरह एक बार वापस ट्रायल करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट इसको असेंबल करते हैं। क्या बात है, देख सकते हो गाइस, ये पूरा अभी इसको चेक कर रहे हैं कि सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अपने पास डंबल वगैरह रखे हुए हैं, जो एक नॉर्मल इंसान अगर घर के अंदर जिम करना चाहता है तो उसके लिए डंबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो भावेश भाई, ये बताइए मिनिमम क्या प्राइस है हमारे डंबल्स की? देखिए, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे प्रीमियम और कैटेगरी के डंबल रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज से होता है। ये हेक्सागोनल डंबल है जिसको आप घर में भी यूज कर सकते हैं, आसानी से अफोर्डेबल प्राइस है काफी। ओके, फिर उससे प्रीमियम में जाएंगे तो ये है कैप्टन अमेरिका है, जैसे ये बाउंसर डंबल है। ओके, ये बॉडी फिट है और ये नया एक सुपर डंबल आया है, बॉडी फिट का ये एक अपग्रेड वेरिएंट है। और सबसे प्रीमियम डंबल है कैप्टन अमेरिका, ये आज काफी ट्रेंड में है ये। ओके, काफी सारे जिम की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमको कैप्टन अमेरिका चाहिए। मैं आपको इसकी खासियत बता दूं, ये एक्चुअली है क्या, ये प्यूक कोटेड डंबल बोलते हैं इसको। इसका मटेरियल काफी अलग है। ओके, और ये जो आप इसकी साइनिंग देख रहे हैं ना, वो हमेशा एच डी भी रहती है। अच्छा। और काफी प्रीमियम में गिना जाता है। और अभी जो हम नेक्स्ट आपको हमने हमारा जिम जो दिखाने वाले हैं उसके अंदर यही डंबल और यही प्लेट दिए होगा। तो एक चीज और बताऊं कि अगर किसी को सिंगल पीस आपसे परचेस करना हो डंबल, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? देखो, एक्चुअली कैसा है कि आपको कुछ भी परचेस करना है तो फैक्ट्री तक तो आना ही पड़ेगा। ओके, जी, आप अपने हिसाब से चॉइस करके कोई भी चीज यहाँ से ले जा सकते हैं। सिंगल भी ले जा सकते हैं। जी, और दूसरी ये बात है कि अगर अहमदाबाद के कोई कस्टमर है नियर बाय हमारे, तो अगर वो हमको फोन पे भी ऑर्डर देंगे तो हम उनको डिलीवरी दे देंगे। वो सीओडी करना चाहे तो सीओडी कर देंगे। अहमदाबाद में सीओडी अवेलेबल है? ओनली फॉर अहमदाबाद के लिए सीओडी अवेलेबल है। और अगर अहमदाबाद के बाहर अगर किसी को कुरियर मंगवाना हो तो? हाँ, तो बाहर का कोई भी अगर बोले ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी बंदा हमको कॉन्टेक्ट करके कोई चीज का ऑर्डर देता है जी, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं हमने पैकिंग जिस तरह ये मटेरियल को पैक करके, ओ भाई काफी जबरदस्त पैकिंग हुई। देखो इसके ऊपर बोरा वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो। मटेरियल काफी सेफ रहेगा आपका। हाँ, मटेरियल काफी सेफ रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन में जाना काफी इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास और भी मशीन रखी हुई है, देख सकते हो। ये सब अभी असेंबल होके जाने वाली है। देखो ये भी पैक हुई है, इस तरीके से पैक होगी गाइस। तो यहाँ पे देखो सिंगल पीस भी आपको मिलने वाला है, आपको बल्क में भी मिलने वाला है गाइस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ से चलेंगे हमारे शोरूम पे। भाई ने हमारे एक क्लाइंट का इन्होंने पूरा जिम रेडी करके दिया हुआ है। आप लोग मिनिमम 2-3 या 5 लाख रुपए में भी अपना खुद का जिम स्टार्ट कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं हमारे जिम पे। पीछे खड़े हमारे भावेश भाई, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे टोटल उन्होंने कितनी मशीन रखी हुई है और कितना रुपया खर्चा हुआ है सामने वालों का, और ही साथ ही साथ कि मिनिमम आप लोग कितने रुपीस का आपका जिम स्टार्ट कर सकते हो। तो जिम के अंदर इंटीरियर नहीं आएगा, सिर्फ मशीन आएगी। तो मशीन के बारे में पूछते हैं, तो सिर्फ मशीन ही आप लोगों को मिलेगी उतने पैकेज में, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ हमारे भावेश भाई से। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो भावेश भाई, इसका आपने कितने रुपए में रेडी किया है पूरा जिम? ये सेटअप रेडी हुआ है कुछ 15 लाख के अराउंड। 15 लाख रुपए में? तो अगर किसी को जिम डालना हो तो मशीन कितने की देते हैं आप पूरा सेटअप? क्या होता है मिनिमम अगर किसी को कम बजट में पैकेज, हमारे हमने काफी अच्छा पैकेज एक डिजाइन किया हुआ है जी, तो वो 7 लाख से स्टार्ट होता है। 7 लाख से? हाँ, उसके अंदर आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट 1500 स्क्वायर फुट से लेके 2000 स्क्वायर फुट तक। ओके, हाँ, तो उसके अंदर आपका जो हमने स्टार्टिंग पैकेज बनाया है, हर चीज का एक स्टार्टिंग पैकेज होता है, तो वो 7 लाख का हम उसको प्रमोट करते हैं। ओके, तो कोई व्हाट्सएप पे अगर आपको हाई लिख के बोलता है पैकेज का डिटेल भेजो तो दे दो। रेडी फॉर्मेट है, कौन सी कितनी क्वांटिटी कौन सी चीज आएगी वो आपको उस फॉर्मेट में रेडी करके दिया, आपको सारा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा जैसे अगर उसके लिए इंक्वायरी करेंगे। ओके, तो ये 15 लाख रुपए में जिम रेडी हुआ है, ये इसका क्या साइज है?
ये साइज एक्चुअली है 3500 स्क्वायर फुट है, 3500 स्क्वायर फुट है। अच्छा, अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेक्शन बनाया, रिसेप्शन अलग है और सारा ये मशीनों का सेक्शन अलग है। ओके, और जो भी यूटिलिटी से टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कुछ रेडी करके रखा है जी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मशीन आने वाली जी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये केबल क्रॉस मशीन है जी, पूरी काफी प्रीमियम बनाया, प्रीमियम कलर कोडिंग है जी। तो ये हमारा देखो 7 स्टार जिम का लोगो है हर एक चीज पे। अगर ये लोगो किसी को अपना खुद का डलवाना होता, हाँ, तो उसके एक प्रोसीजर और नॉमिनल चार्जेस है। जैसे आपके आपके जिम का नाम सपोज है क्लासिक जिम, हाँ, तो आप उस पे क्लासिक जिम का भी लोगो कटवा सकते हैं, तो उसका जो भी चार्जेस होता है वो आपको बता देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी मशीन है हमारे पास। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सब मशीन लाइन से रखी हुई है। तो इन्होंने 15 लाख रुपए में क्या क्या दिया है वो बता देते हैं। तो ये नॉर्मल मशीन हम लोग नहीं लेंगे, छोटी मोटी मशीन नहीं लेंगे, सिर्फ मेन मेन मशीन लेंगे। देखो ये है असिस्टेंट चिन अप सपोर्टिंग पुल अप बोलते हैं जिसको जी, ये पूरा मशीन है जी। ये बैक का मशीन है, ये फ्री वेट सेक्शन है उनका पूरा जी। और मैंने आपको बताया था कि हमने जो कैप्टन अमेरिका प्लेट और डंबल दिए वो इसी जिम में, आपको कैप्टन अमेरिका प्लेट भी दिखा देता हूँ ये देखो। ओके, इसका चार्ज थोड़ा हैवी है। हाँ, ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी है जी। फिर ये शोल्डर प्रेस है, ये भी फ्री वेट है। ओके, ये बाइसेप मशीन है, वेटेड है। ओके, बाइसेप पे। और दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, किसकी आपकी सीट की क्वालिटी आप देखते जाइए खाली जी। जो मुझे स्पेशली बताना था, ये काफी इम्पोर्टेंट लुक में हमारा काफी अच्छा है, इसमें आप देख सकते हैं सीट काफी इम्पोर्टेंट। हाँ, ये थोड़ा एक चार्जेस प्लस हो जाता है, लेकिन आपके जिम के लिए लुक के लिए काफी बेटर रहेगा। ओके, फिर ये चेस्ट प्रेस है, देखो यार कैसा लुक आया, जबरदस्त वाला चेस्ट मशीन का लुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लेग एक्सटेंशन मशीन है, देखो ये लेग कर्ल मशीन है। ओके, आप सबकी सीटों की क्वालिटी और जबरदस्त ग्राफिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, जबरदस्त। और कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे कि कुछ चीजें मैं आपको हमारी मशीन पे डिफरेंट क्यों दिखती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो इसकी कैप वगैरह आप देख सकते हैं, इसकी ग्रिपिंग वगैरह देख सकते हैं, काफी प्रीमियम है जी। और ये पूरा कार्डियो सेक्शन ये वाला, हाँ, ये भी हमने दिया, हाँ, ये भी हमने प्रोवाइड किया, हम इसके सप्लायर है इस कंपनी के जी। ओके, ये थ्रोस्टनर है और वो ट्रेडमिल से। ओके, तो और क्या दिखाएंगे, ये लेग प्रेस मशीन है जी। अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर इस जगह रबर यूज करते हैं, ये चीज क्या है मैं आपको बताऊँ, कुछ मैन्युफैक्चर यहाँ पर रबर यूज करते हैं जी, जिसका लाइफ ज्यादा नहीं होता। हमने यहाँ पर एक समझे अच्छी थिकनेस वाली एक प्लेट यूज किया है, क्या बात है, जो जिसको लाइफ में कभी कुछ होना नहीं है, काफी इसका लॉन्ग लाइफ है जी। ओके, यहाँ पे पूरा हमारा डंबल से देखो, ये पूरा डंबल एरिया जो कैप्टन अमेरिका आपको बताया गया। ओके, ये डंबल के साथ स्टैंड भी आ जाता है ना, स्टैंड, पूरा स्टैंड का काफी अच्छा लुक आ रहा है। और फिनिशिंग देख रहे हो यार स्टैंड की, मतलब हर एक पार्ट की फिनिशिंग देखो, ऐसा लगेगा प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब काम हुआ है। और क्या दिखाएंगे भावेश भाई, फिर ये मशीन है पैक डेक फ्लाई बोलते हैं इसको जी। सब मशीन में सीट काफी बढ़िया है, सीट आप देख सकते हैं, देखो फिनिशिंग के अंदर काम हुआ पूरे सीट का। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया बढ़िया सीट है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, ये ओलंपिक इंक्लाइन बेंच है। अच्छा, रोड वगैरह भी आ गए ना इसमें, हाँ, रोड वगैरह जो भी पैकेज के जो भी बजट मैंने आपको बताया है वो इनमें सब इंक्लूड है जी। ओके, ये मशीन इंक्लाइन के लिए, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस में यूज होता है, बेंच प्रेस है जी। और फिर ये आप देखेंगे ओलंपिक फ्लैट बेंच है, ये भी बेंच प्रेस में यूज होता है। फिर हमारी मल्टी एडजस्टेबल बेंच आपको दिखाएंगे। ओके, तो खाली भाई इसका अगर किसी को बेंच भी लेना हो तो आप बेंच भी देते हो क्या? बिल्कुल, आपको सिंगल चीजें कोई भी लेना हो ऑलवेज आप हमको फोन करके ऑर्डर दीजिए जी। और मैं ऑर्डर का प्रोसीजर बता दूं, बेंच बनने के बाद आपको बिल्कुल फोटो भेजेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ और बना के दे दिया जाएगा, सेम चीज देंगे आपको, फोटो भेजेंगे आप अप्रूव करेंगे उसके बाद ही आपको बेंच। ओके, तो देख लो ये मशीन है लेट पुल डाउन, इसकी ग्रिपिंग वगैरह, और ये हम सब हर चीज एल्यूमिनियम यूज करते हैं जी, जिससे इसका लाइफ काफी लॉन्ग रहता है। लोग यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं, बट हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ओके, तो ये देखो एक बार वेट्स की फिनिशिंग क्या है, वेट्स की साइज को देखते हैं, कलरिंग में एकदम जबरदस्त। और ये हमारी ओलंपिक लाइन बेंच है। ओके, बेंच प्रेस है। और ये हमारा फंक्शनल ट्रेनर है,
इन लोगों ने दो ऑप्शन रखे, ये वाला भी रखा हुआ है, केबल क्रॉस अरे फंक्शनल। ओके, तो भाई अगर किसी को ऑल इन वन जिम चाहिए तो वो भी बनवा सकता है क्या? हाँ, अपने घर के मेजरमेंट के हिसाब से बनवा सकता है क्या? सकता है। जैसे मेरा घर है, छोटा सी रूम है, उसके अंदर ही मुझे अपना होम जिम चाहिए, तो बन जाएगा क्या? आराम से बन जाएगा। तो आपका बंदा जाएगा, मेजरमेंट लेगा, वापस आएगा? मेरे को मेजरमेंट ऐसे नहीं बता सकते, जैसे डायमेंशन बता देंगे, हाइट बता देंगे। अच्छा, आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट। तो बंदा आपका खुद जाएगा वो पूरा मतलब कंप्लीट करने? हाँ, इंस्टॉलेशन करने, असेंबल वगैरह इंस्टॉलेशन करने के लिए। आपको जो भी प्राइसिंग, जो भी कॉस्टिंग दिया जाएगा उसके अंदर इंस्टॉलेशन का चार्जेस इंक्लूड है। हाँ, वारंटी के चार्जेस इंक्लूड है। वारंटी कितने दिन की आती है इसके अंदर? हम हर एक मशीन के अंदर 5 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। ओके, जो भी इसका अगर फ्रेम का वारंटी है 5 इयर्स का है। ओके, अगर ये टूट जाता है, फ्रेम फट जाता है, वेल्डिंग जॉइंट को कुछ हो जाता है, तो मशीन टू मशीन रिप्लेसमेंट करके। क्या बात है, रिप्लेसमेंट, मशीन टू मशीन रिप्लेसमेंट। और ये कंडीशन हमारे कोटेशन में ऑलरेडी मेंशन है, मतलब हर चीज बता के दोगे? हाँ, राइटिंग में देंगे ये चीज को। क्या बात है। तो भाई और कुछ बाकी है भाई उसमें बताने के लिए? बस कुछ नहीं, आपको ये चीज बताना था, मुझे आप फोकस कर सकते हैं, खास करके सीट पर। हाँ, क्योंकि इस तरह की सीटें कोई डिजाइन नहीं करता, लोकल मैन्युफैक्चरर। तो सीट बनाने वाला कौन है? सीट बनाने वाला हमारे यहाँ के काफी अच्छे बंदे हैं, काफी पुराने हैं। हाँ, वो तो आपको कुछ सेजू भाई बता देंगे कौन बनाने। सीट बनाने वाले मेरे चाचा हैं। हाँ, और सीट वही बनाते हैं पूरा। तो उनका अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उनकी वीडियो बना दूंगा मैं। तो सीट का मेन काम है, देखो यार काफी प्रीमियम सीट है भाई, गजब सीट है, देख रहे हो यार। ये जिम का एक टूर दिया था मैंने, एक्चुअली में यहाँ पे काफी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई थोड़ा सी स्पेस दे दो, तो उन्होंने दे दिया। और ये जिम काफी बढ़िया है। ये जिम का अगर मैं एड्रेस की बात करूँ, तो अगर आपको ये जिम देखना हो, अहमदाबाद में रहते हो, अगर ये जिम आप लोगों को देखना हो, तो ये जिम किधर है भाई? ये जिम का जो लोकेशन है उसको बोलते हैं निकोल। हाँ, ओके, निकोल में इसके नियर बाय सामने नेशनल हैंडलूम है जी, वो बहुत परफेक्ट लोकेशन है। उसके सामने की साइड की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर ये जिम है। जिम का नाम है न्यू फिटनेस कल्चर। न्यू फिटनेस कल्चर। तो अगर आपको इसके इक्विपमेंट देखना हो या एक्सरसाइज करना हो तो भी आ सकते हो। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का भी मैंने आपको टूर करा दिया और जिम का भी टूर करा दिया गाइस। तो काफी बढ़िया, काफी ज्यादा मजा आ गया, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने, मुझे ऐसा लगता है मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। अगर लगता है आप लोगों को मैंने बनाया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, और इनकी हर महीने आप लोगों को एक वीडियो जरूर मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर महीने आपको एक वीडियो मैं दे सकूं। अगर जिम लवर हो आप लोग, या जिम खोलना चाहते हो, या आपको कुछ घर के अंदर कुछ करना है, तो चैनल पर बने रहो, हर महीने एक अपडेट वीडियो आते रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।